वेलकम टू कॉमेडी का डेली शो। कॉमेडी का डेली शो, कॉमेडी सर्कस के सुपरस्टार। लेकिन मेरा तो कॉमेडी का डेली शो है ना यार। कॉमेडी नाम रखने से कॉमेडी थोड़ी हो जाती है, करनी पड़ती है। ओके ओके, सो दोस्तों विजेता कृष्णा और कृष्णा की तरफ से आपका स्वागत है। सुदेश भी। ले, जीतने से पहले अपने आप को कंफर्म नहीं कर देते कि हम विजेता हैं? मुंह मीठा करा के करते हैं। सुरेंद्र पाजी अगर इजाजत हो तो एक टॉफी सिर्फ प्लीज तो खिला दे। इजाजत दे दी। पता चलेगा इसको जब जूठी खाऊंगा। देख ले बेटा क्या दिन आ गए हैं हमारे। अब करप्शन के बिना शो नहीं जीत सकते। जजेस के साथ साथ अब इसको भी खिलाओ। लेकिन बेटा हम करप्ट नहीं हैं, हम अपनी मेहनत से जीतेंगे जैसे हम पहले जीते रहे हैं। हाँ राजीव भैया, पहले आप जोक चुराते थे, आज ट्रॉफी चुराएंगे। क्या कर रहा है, पूरा जितेंद्र चुरा के खा गया। चल बेटा अब जहाँ यहाँ तक साथ दिया है वहां तक भी दे। चल ए, क्या हो रहा है? बाप का माल समझा गया? पकड़ा इधर। एक मिनट। ट्रॉफी के लिए छीना झपटी बंद करो। ट्रॉफी सिर्फ मेरी बनती है, वो ऐसे कि आप लोगों की कॉमेडी मेरी टांगों से, तो मतलब टीआरपी भी मेरी वजह से ही हुई ना। तो एक काम करो, ट्रॉफी तुम रख लो और तुम्हें क्या लगता है हम लोग इधर कॉमेडी किस लिए करने आते हैं? तेरी टांगों की वजह से तो आते हैं। कॉमेडी करनी हो हम लोग घर में नहीं कर सकते क्या? हेलो, लड़की की इज्जत करना सीखो। अगर उसकी टांगों की वजह से हमने नाम कमाया है तो आज हम इज्जत करेंगे टांगों की। बड़ी कॉमेडी सूझ रही है ना आप लोगों को। आइए जजेस के सामने कॉमेडी कीजिए फिर। बोलती वो क्या है कि ट्रॉफी छीन कर नहीं जीत कर ली जाती है, तो आप प्लीज ट्रॉफी रखेंगी मैडम और आप सब जाइए अपनी सीट्स पर जाकर बैठिए और कुछ कॉमेडी करके दिखाइए हम सबको। चलिए कपिल होस्ट कर रहा है हंसी का केबीसी और उसे खेलने पहली बार आ रही है डेली सोप एक्ट्रेस पार्वती। प्लीज गिव देम अ बिग हैंड लेडीज एंड जेंटलमैन। हेलो। हाँ जी, मैं कौन बने करोड़पति के सेट से बोल रहा हूँ, मिर्जापुर से। हाँ जी, मैडम आई नहीं, अभी तक आती होंगी, एक्सीडेंट की तो खबर नहीं आई, इसका मतलब ठीक ही होंगी। हाँ, हमने भेज दिया सबको लेने, एयरपोर्ट पे पहुँच गए रिसीव करने। जी, आएंगी तो हम बता देंगे आपको। ठीक है जी, ओके। अच्छा अरे मैडम आप आ गई, कोई रास्ते में तकलीफ तो नहीं आपको ना? ऑटो वाला प्रॉपर छोड़ के गया आपको? प्रॉब्लम, आपने मुझे लेने के लिए गाड़ी क्यों नहीं भेजी? मैडम ऑटो भी गाड़ी होती है, एक आध पहिया कम हो गया फिर क्या हुआ? वो ऑटो वाला बहुत बदतमीज था, घूर घूर कर देख रहा था मुझे। अच्छा देख रहा था, नया होगा, पुराना होता तो 3-4 पप्पियां ले लेता। आप मुझे लेने क्यों नहीं आए? मैडम मेरे फैमिली मैटर था, मेरी सास की ना उंगली चारा काटने वाली मशीन में आ गई थी। मैं सुबह से रोई जा रहा हूँ मैडम, मेरी सास की उंगली आ गई। आप बहुत प्यार करते हैं अपनी सास से? नहीं मैडम, प्यार व्यार क्या करता हूँ, अच्छा हुआ मेरी तो मशीन खराब होगी इसलिए रो रहा हूँ। सास की उंगली कटी जानी चाहिए थी, साली बड़ी उंगली करती थी, अब करके दिखाए। बहुत गर्मी है। सॉरी मैडम, एक्चुअली एसी ऑन नहीं किया ना। तो ऑन कर दीजिए प्लीज। ऑन तो कर दूं मैडम, लेकिन एसी भी तो होना चाहिए ना। बैठिए मैडम, आप चाय पीने का मूड तो नहीं आपका? हाँ जी प्लीज चाय। तो फिर आधा कप बना लो जल्दी से, मैं भी जल्दी में पी के ही नहीं आया। मैं यहाँ चाय बनाने नहीं आई हूँ। देखिए आपके चैनल में पहली बार कोई सेलिब्रिटी आई है, प्लीज अपना शो शुरू कीजिए। मैडम शो शुरू कर देते हैं अभी, एक सेकंड में जरा कैमरा लगा लूं जरा। अब इससे शूट करेंगे? नोकिया मैडम, आपको नहीं चल रहा आप अपने वाला दे दो। देखिए मैं मोबाइल कैमरा से शूट नहीं करती। अच्छा रिया सेन कर सकती, तुम्हें मौत पड़ती है। कर लो मैडम, अच्छा है। नहीं मुझे नहीं शूट करना है। देख मैडम, देखिए आप मेरी बात सुनिए, आप समझिए, हम पहली बार शुरू कर रहे हैं प्रोग्राम, आप समझिए हमारा बजट कम है, ये कैमरा अच्छा है, आप इधर बैठ जाइए। ये आपने क्या पहना हुआ है? क्या ये क्या है?
लुंगी है मैडम। मैडम एक्चुअली आप समझती नहीं, प्रोग्राम का बजट कम है, वैसे भी फ्रेम में इतने इतने कपड़े आने हैं, लुंगी आप ये समझिए, आप ये तो आप आई हैं तो मैंने पहने हैं, लेकिन कोई जेंट्स आता हम लोग कच्चे बनियान में शूट कर देते सारा। अब मैडम फ्रेम में तो इतना ही आना ना, और ये तो कुछ भी नहीं, मैं इसी ड्रेस में दो दो शो होस्ट करता हूँ, एक केबीसी, दूसरा मेरा ग्लैमर वर्ड चलता है एक शाम को। तो मैं देखिए आप बहुत बदतमीज है, मैं जा रही हूँ। ऐसे कैसे जा रही मैडम, आपको खर्चा करके बुलाया, टिकट भेजी आपके लिए। टिकट? मुझे मेरी पेमेंट नहीं मिली अभी तक। मैडम देखिए आपको पता है आपको बायर टिकट कैसे भेजी हमने, गांव में से रुपया रुपया इकट्ठा करके आपको टिकट भेजी है। आपको टिकट भेजने के चक्कर में हमारा सालाना मेला कैंसिल करना पड़ा है। आप बैठिए इधर। छी ये कुर्सी इतनी गंदी है, मैं नहीं बैठूंगी। मैडम बैठना ही, आपको कौन सा चपातियां रख के खानी, बैठिए इधर। आइए हम शो शुरू करते हैं मैडम। टीआरपी क्या है आपके शो की? टीआरपी मैडम 40-45 तो आई जाती है। 40-45 की? हाँ जी मैडम, आप थोड़ा सा पल्लू इसे गिरा लें तो 55 भी हो सकती है। हमारा चैनल जो है ना मैडम, इसकी रीच बहुत है, बड़ी पहुंच है इस चैनल की। हाँ जी, बड़े घरों में लोग देखते हैं हमारा चैनल। पता है आपको, सुना है हमारे चैनल के बारे में? हाँ जी सुना हुआ है। पहले पूछो तो सही, आपका चैनल कितने घरों में जाता है? अच्छा मुझे आप ही बता दीजिए कि आपका चैनल कितने घरों तक जाता है। अच्छा, हम किसी के बाप के नौकर नहीं, हमारा चैनल किसी के घर जाए, जिसको देखना इधर आके देखता है। ये हमने तार लगाई, बाहर टीवी लगा रखा, 40-45 शराबी रोज आके देखते हैं उधर। ठीक है मैडम। हाँ, और मैडम आपको गेम के रूल तो पता है ना सारे, शुरू करें। रूल क्या है आपके गेम? रूल ये मैडम, शूटिंग करते वक्त कोई कुत्ता वुत्ता इधर आ जाए, बीच में रोकना नहीं। मैडम कोई कुत्ता नहीं काटता, मुंह में किसी के दांत नहीं, किसी को टीबी है, किसी की शुगर बड़ी, किसी का बीपी हाई है, कोई कुत्ता नहीं काटेगा आपको। और किसी ने पंजा मार दिया तो? अब मैडम अब आपके लिए कुत्तों का पेडीक्योर थोड़ी ना करवाएंगे हम। शुरू करें मैडम। अच्छा पहले अपना कंप्यूटर तो ऑन कर लीजिए। कंप्यूटर मैडम लाइट गई हुई है एक्चुअली। लाइट नहीं है मैडम? लाइट होती भी तो किसी का क्या बाप बिगाड़ता, कंप्यूटर है ही नहीं तो चलेगा कैसे। ये मैडम हमने माइक्रोवेव रखा हुआ है, आपको पता है? आपके पास कंप्यूटर नहीं है? कंप्यूटर? हाँ जी। मैडम हमारे घर में तो अखबार भी तब आता है जो शहर से कोई पकौड़े लेके आता है। आपको पता है मैडम, पहली बार मैंने उसी अखबार में आपका फोटो देखा था, पहचानना बड़ा मुश्किल था क्योंकि सारे चटनी वटनी लगी हुई थी मैं आपके। और मैंने चटनी चाटी ना, जब फिर मुझे पता चला कि आप कौन हो, प्रतिज्ञा बन जाए। ठीक है मैडम, गेम शुरू करते हैं। आपके पास 2.5 लाइफलाइन है, 2.5, ठीक है? 2.5 लाइफलाइन? हाँ जी, 2.5 लाइफलाइन ऐसे है ना मैडम, क्योंकि हमारे पास जो फोन है उसकी आउटगोइंग बंद है, आप सिर्फ उससे मिस कॉल मार सकते हो। अगर आपके दोस्त ने फोन वापस कर दिया तो आप जवाब पूछ सकती हैं, नहीं तो आपके पैसे गए, ठीक है? और दूसरी है ऑडियंस पोल। जी। ऑडियंस पोल में मैडम थोड़ी प्रॉब्लम है, आपको ऑडियंस जो कहेगी वही मानना पड़ेगा। क्यों? मैडम सारे के सारे शराबी हैं, किस किस से बहस करेंगे। आपको पता है परसों तो मैंने सवाल पूछा भारत का प्रधानमंत्री कौन है, एक शराबी कहता सुरिंदर, मैंने जिता दिया उसी को, मैंने कहा गोली मारो कौन बहस करे। ठीक है मैडम, तीसरी लाइफ लाइन एक और भी, आपको पता है कौन सी? 50-50। अच्छा वो वाली जिसमें 4 जवाब होते हैं और 2 गलत जवाब मिटा दिए जाते हैं? नहीं नहीं, मिटाना मिटाना कुछ नहीं मैडम, 50-50 मतलब उसका जो रकम की राशि आप जीतेंगे उसमें हम 50-50 करेंगे। ठीक है देवी और सज्जनों, सबसे पहला सवाल, कौन बनेगा करोड़पति, कौन होस्ट करता है? ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी शाहरुख खान, ऑप्शन सी आमिर खान, या ऑप्शन डी प्रेम चोपड़ा। बताइए मैडम बताइए, कौन होस्ट करता है, अमिताभ बच्चन, आमिर खान, शाहरुख खान या प्रेम चोपड़ा? ए अमिताभ बच्चन। गलत जवाब, परमीत सेठी। अरे ये तो ऑप्शन में ही नहीं था, और उसने कौन सा शो होस्ट किया है बताओ। देखिए मैडम मुझे भी पता है वो शो होस्ट नहीं करते, लेकिन उनकी बीवी तो इधर जज है कि नहीं, उनको भी तो खुश करना है कि नहीं। मैडम एक और सवाल का जवाब बताओ। हाँ जी। जापान की राजधानी क्या है? अरे ये तो बिना ऑप्शन के बता देती हूँ, टोक्यो। टोक्यो? हेलो पपलू, तुझे मैंने दिल्ली लिखाया था वो काट दे। हाँ नहीं नहीं,
बेटा मैंने इसलिए लिखाया था कि इतना बड़ा देश है, अगर उसकी दिल्ली है तो जापान की भी दिल्ली होगी। तो ऐसा कर टोक्यो लिख। मैंने पढ़ी लिखी लड़की से पूछा, लिख टोक्यो। मेरा बेटा पेपर दे रहा ना मैथ के, उसको आता नहीं मैथमेटिक्स बिल्कुल भी। मैडम एक बात बताएं, हाँ जी, अगर आप 1 करोड़ रुपए जीत गई तो क्या करेंगी आप? वैसे आप मैं ढेर सारी शॉपिंग करूंगी। शॉपिंग कर पहले गिनोगी? नहीं, हाँ पहले गिनूंगी उसे फिर। अच्छा 1 करोड़ रुपया गिनोगी? हाँ। एक लाइन तुम्हें दे रहे, दिमाग तुम्हारा खराब हो जाता है। 1 करोड़ तुम तो बंदे मार दोगी लोगों के। तो आगे बढ़ाते हैं, अगला सवाल आपसे। ये मोजे किसके लटके हैं? मोजे नहीं मैडम, इसमें मोजे नहीं है तो कैंडी है। नहीं मुझे नहीं खानी। खाओ मैडम, बाद में कहोगी कि हमने पूछा नहीं कुछ। नहीं नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगी, आप अपना अगला सवाल पूछिए। ठीक है, अगला सवाल है कि ये गाना किसने गाया है? किसने गाया है ये? गाया है दिलेर मेहंदी ने। दिलेर मेहंदी ने? हाँ जी। वेरी गुड, मुझे लगा सोनू निगम ने गाया। तो मुझे इसके लिए कितने पैसे मिलते हैं? पैसे नहीं मैडम, मैंने अपनी नॉलेज के लिए पूछा था ये। हाँ कोई और भी सवाल है मेरे पास? कभी ढंग का सवाल पूछूं मैडम? हाँ जी कोई ढंग का सवाल। बोर तो नहीं हो रही? नहीं मैं बोर नहीं हो रही, अब अगला सवाल तो पूछिए ना यार। एक काम करते मैडम, हाँ। गोली मारो सारे सवालों को। हाँ। सीधा ही 1 करोड़ रुपए वाला सवाल पूछूं? हाँ हाँ। हैं? हाँ हाँ। ये बताओ ये बताओ कि गोल माल 3 हिट होगी या नहीं, यही पूछोगे ना? शायद आप एक सवाल थोड़ी बार बार पूछूंगा मैं। सवाल ये है कि गोलमाल 3 का डायरेक्टर कौन है? अरे ये तो मैं जानती हूँ यार, रोहित शेट्टी। अच्छा तो ये पता ही है, तो फिर ये भी बता दो गोलमाल 3 हिट होगी कि नहीं होगी? हिट होगी कि नहीं होगी बताओ? जबरदस्त हिट होगी, चलो लाओ 1 करोड़ रुपए। अच्छा फिल्म उनकी हिट करा रही हो, पैसे मैं दूं उनसे? लो अर्चना, अगर एक एग्जांपल दिया जाए कि एक आदमी के बलबूते पर एक पूरा एक्ट चल सकता है और बहुत अच्छा लग सकता है और माइंड ब्लोइंग हो सकता है, तो यू आर अ वेरी गुड एग्जांपल कपिल। इट इज अ सुपरलेटिव एक्ट, वेल रिटन बट ब्रिलियंटली प्रेजेंटेड। रोहित, पार्वती तारीफ करूं? गोलमाल 3 हिट होगी कि नहीं पहले बता। कपिल ठीक था तू, पार्वती यू आर टू गुड। बहुत अच्छी राइटिंग थी, जो मतलब एक केबीसी को एक नया तरीका दिया गया, यू नो कि एक कोई गरीब से शहर में कर रहे थे तो कैसा होता, और जिस तरह से आपने मज़े ले ले के परफॉर्म किया, कहीं ना कहीं इवन यू वर कॉन्फिडेंट कि ये एक्ट को तो हिट होना ही होना है। और गोलमाल 3 तो बाद में होगी, आपका एक्ट हिट हो गया। थैंक यू सर। चलिए अर्चना हिट स्कोर्स दे दीजिए। यू आर माइंड ब्लोइंग, सो माइंड ब्लोइंग स्कोर्स फॉर यू। माइंड ब्लोइंग देम, रोहित। तो ये कपिल, पार्वती और राइटर्स के लिए, और गोलमाल के लिए, और गोलमाल के लिए, स्माइलिंग जुजू, फॉर द फर्स्ट टाइम टुगेदर। सुदेश आए हैं पहली बार मुंबई में और कृष्णा कर रहे हैं उन्हें हैरान परेशान। चलिए देखते हैं सुदेश का मुंबई में पहला दिन। प्लीज वेलकम सुदेश एज हिमसेल्फ एंड कृष्णा एज वेरियस कैरेक्टर्स। मुंबई पहुंच गया, मैं मुंबई पहुंच गया। मैं अपने गांव का पहला लौंडा हूं जो गांव से मुंबई आने के लिए निकला और मुंबई पहुंच गया। ओहो ऐश्वर्या भाभी जी आप भी इधर? ऐश्वर्या हाल है? बच्चन साहब कैसे हैं? रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। लेकिन मेरी मम्मी झूठी बोलती, कहती हरबंस लाल का बेटा हूँ मैं। अरे इधर रहते लग, इधर कौन रहता है यार? ओए ये लोहे का हाथ है कात्या। सन्नी साहब फिल्मों में भी गर्म होते हैं, घर पे भी ऐसे बोल रहे हैं। लगता है इनके पड़ोसी बहुत डरते होंगे, अपने बाथरूम के दरवाजे लगा के रखते होंगे, क्या पता कब किसी का नलका उखाड़ दे। इधर कौन रहता है यार? आओ हचक्याओ ढक्के चिक्के ढक्के चिक्के, आओ हचक्याओ ढक्के चिक्के ढक्के चिक्के। यार कौन कहता है शक्ति कपूर के पास काम नहीं है, तो घर पे भी काम कर रहे हैं। बड़ा यार माहौल बड़ा। अरे
अरे हटा सावन की घटा खा खुजा बत्ती बुझा के सोजा मंडी पे खड़े ले आंटी बजारे ले बार बार घंटे इंटुकले विंटुकले फुटले उठले छाड़ा बनले चल समझ गए ये तो समझ गए जो भी है भाई साहब यहाँ बॉम्बे में और कौन कौन से यहाँ पे एक्टर रहते हैं इधर अबे साले इतने बड़े बड़े एक्टर झोपड़पट्टी में थोड़ी रहेंगे मैंने खुद आवाजें सुनी आपने भी सुनी है ना अच्छा अच्छा वो क्या है ना सामने वाले की खोली में VIP रहता है उधर से आवाजें आती रहेंगी देव को बना रहा है मेरे को फिर ये ऐश्वर्या भाभी इधर क्यों बैठी है भाभी इधर सुरेंद्र मोहल्ले के लौंडो को भाव तो देती नहीं है इसको देवर बना के घूम रही है भाभी अरे देवर 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 हफ्ता निकाल चल हफ्ता हफ्ता क्या मतलब मैं तो पूरा साल निकालूंगा इधर मैं इतनी दूर से आया हूं ये ज्यादा जानबत्ती मत कर बाबू करेला का अखा मुंबई में बहुत बड़ा नाम है क्या क्या नाम है बाबू करेला इसमें यार बड़ा क्या है करेला इतना इससे बड़ा नाम तो हमारी अर्चना पूरन सिंह का अर्चना पूरन सिंह जाती छाणपत्ती मत कर बच्चे बच्चे से पूछ ले बाबू करेला मुंबई में मटके का बहुत बड़ा धंधा चलाता है अच्छा अच्छा इधर मुंह करना जरा साले मेरे को डरा रहा बार बार मैं सरजी सरजी बोल रहा हूँ है मटके बेचता तू इधर अरे पहली बार बाबू करेला को थप्पड़ पड़े लाए सर रोने का नहीं सॉरी सर मैं तो भाई लोग की एक्टिंग कर रहा था सर मैं ना होली में फुग्गे और ये पिचकारी वाली बंदूक बेचता हूँ साहब भाई साहब कितने की है 200 रुपए की हिसाब 200 की हाँ तो मुझे बताओ ना पहले बहुत अच्छी यार क्या बात है साहब ये अपना अपनी किस्मत होती है जी क्या बात है साहब रापची का आदमी हो औरत लोग के कपड़े रखते हो बक्से में क्या ओए तमीज से बात कर मैं अपनी बीवी बिल्लो को बहुत प्यार करता हूँ ना अच्छा तो मैं निशानी के तौर पे कपड़े ले आया पड़ोसन के अरे प्यार बीवी से करता है और कपड़ा पड़ोसन के लाए लाए दरअसल बात का मैं चाहता नहीं कि पड़ोसन ये कपड़े पहन के सुंदर लगे मेरी बीवी अंदर ही अंदर जलती रहती है ना क्या करो यार तुम प्यार की बात होती है अरे क्या आवाज है अरे आपके पास भी इधर पानी कैसे भरते हो चलो खेलेंगे आप पिच्छू पिच्छू खेलते क्या बात है साहब ये असली है क्या साहब घबराते क्यों मैंने पुलिस वाले से लिए 150 रुपए की असली है अरे नहीं साहब हेलो यार मैंने सुना था बॉम्बे वाले अजीब लोग होते हैं देखे पहली बार मैं इसकी पानी वाली पिस्टल से नहीं डरा ये मेरी असली पिस्टल से डर गया देखो जी बॉम्बे आए हैं और घूमेंगे तो जरूर क्योंकि इतना पैसा खर्चा है घूमने के लिए कहाँ जाएं यार किससे पूछे कौन है यहाँ घूमा हुआ बंदा ज्यादा अजी टैक्सी कहाँ से मिलेगी बाहर से नहीं मैं एक्ट कर रहा हूँ इसके हिसाब से बताओ टैक्सी टैक्सी अच्छा क्या इशारा हेलो चलेगा अरे ये ना समझेगा मैं चलेगा कोई टैक्सी उठा के ले गया तो अरे टैक्सी में बैठ के चलेगा अच्छा अच्छा किधर जाने का है देखो जी शरीफ बंदे हैं पंजाब से आए हैं किसी कोठे पे ले जाओ पैसा है तेरे पास हाँ पैसा है जी हाँ पैसा है तो ठीक है वरना ऐसे किसी को भी मैं अपने घर पे लेके जाता नहीं बैठो बैठो अच्छा गाड़ी दे साले तीसरी बार काय को नहीं किया वो अगले हफ्ते फाइनल में भी कुछ करना है कि नहीं साहब हाँ जी क्या बात है साहब लगता है बंबई में नए नए आए हो नहीं 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 मैं 2 घंटे हो गए पहुंचे इधर जी किस लिए आए हो बंबई में बस फ्री थे मैं चलो हीरो बन जाते वहां जाके वो देखो बंबई दिखाता हूँ तुमको देखो वो देखो रोहित शेट्टी का घर घर पे होंगे राम जाते सामने बैठा है घर पे होंगे अरे वो देखो ये देखो बंबई का बहुत बड़ा होटल है JW मैरियट होटल ओए कितना बड़ा सच्ची बोलता हूँ इतना महंगा होटल है ना
इधर एक एक रोटी 500-500 रुपए में मिलती है साहब। साहब जू बीच आ गया साहब, जू बीच सबको मालूम है, मैरियट के बाजू में जू बीच है साहब, आ गया जू बीच। चलो उतारो। वाह वाह, कितने पैसे हुए? 2000 रुपए। बिल्लो ने 4 रोटियां भेजी थी, ये अंदर होटल में 500-500 रुपए की भेज लेना, 2000 तो लेना। साले तुझे महिला पागल समझे ले क्या? अरे इंसान काम काय को करता है? रोटी के लिए ना तो मेरे को पैसा नहीं चाहिए, रोटी की इज्जत करता हूँ। आज पहली बार हाथ रखा मार के नहीं गया। सामान रख ले, कब क्या पता बेच के रोटी खानी पड़े, यहाँ बॉम्बे शहर है। तो यार मुझे गर्मी बहुत लग रही है, नहाने के लिए कुछ जगह है इधर? मैडम वो नहाने के लिए इधर कोई जगह है? नहाना था। क्यों, मैं साबुन लगाऊं क्या? नहीं नहीं, वैसे नहाना था, कोई जगह नहीं इधर? हराम ज्यादा बार बार थप्पड़ खाता है साले, इतना बड़ा समुंदर है सामने, मैं भी उधर नहाने को जा रही हूँ। मैं भी साथ चलूं? सामान का ध्यान कौन रखेगा फिर? नहीं ये सामान का ध्यान कौन रखेगा? एक काम करती हूँ। हाँ जी। लेडीज फर्स्ट, पहले मैं जाऊंगी, मेरे सामान का ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है। मुझे सारा पता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, हैं? इसको खोल के दिखाए इसमें क्या है, पर मेरा मन नहीं कर रहा। मन तो नहीं कर रहा पर नियत का क्या करूं? सच्चा कलाकार वही है जो ऑडियंस की डिमांड देखे। मैं नाली नाउ योर टर्न, ओके? आप जाओ। थैंक यू। माय गॉड, मेरा पर्स खोल के इसने तुमको सब कुछ दिखाया है ना? तुमको क्या लगता है मैं भी इसका बक्सा खोल के दिखाऊंगी? ऐसी लुच्ची नहीं हूं मैं, हाँ एजुकेटेड हूँ, इसके सारे कपड़े लेके भाग जाऊंगी। किधर गई यार? ये गलत बात है, ये धोखा है साहब, विश्वास की दुनिया नहीं रही यार, हैं? बॉम्बे में वो बदनाम कर रही है बॉम्बे को। हेलो। मैं सोच ही रहा था, मैं क्या आप मुझे छोड़ के जा नहीं सकती। ऐसे कैसे जाऊंगी, टॉवल भी तो लेना था। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। क्या है, मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ, ठीक है? ऐसे जाने नहीं, चलो तो ये तो रखो कम से कम। थैंक यू केटी साहब, 3 साल से मैं इसकी इज्जत बचा रहा हूँ, आज इसने मेरी इज्जत बचाई है। थैंक यू। इस पर देसी को आपकी मदद की बहुत सख्त जरूरत है, प्लीज। अमिताभ बच्चन जी का एक डायलॉग है, ये तो अच्छा था केतन पे कच्चा था। ये एक लाइव स्टेज की जो एनर्जी, जो प्रेजेंस ऑफ माइंड आप दोनों में है और आज आपने दिखाई, वो पंच कमाल का था जो आप दोनों ने, वो ब्रेक मारा आप दोनों गिर गए, वहीं से मैंने आपको 1 मार्क एक्स्ट्रा दे दिया। वेरी वेल। रोहित लहरी साहब, आपने मेरे 1000 रुपए का नुकसान कर दिया, आपको पता है? क्यों?
बाहर कृष्णा के साथ शर्त लगी थी, मैंने बोला नहीं फाड़ेगा उसने बोला मैं फाड़ के निकलूंगा एंड में। अच्छा। मैं जब एक्ट शुरू हुआ और ग्रेजुअली एक्ट का जैसे प्रोसेस बढ़ता चला गया, मैं ये रियलाइज कर रहा था कि राइटिंग वाइज और स्टेज और जिस तरह से ये कोरियोग्राफ किया है पूरा एक्ट, बहुत मेहनत लगी होगी आप लोगों को। आज तो आपने अपना कच्चा ही फाड़ दिया, आपने अपनी अपनी इज्जत दे दी शो के लिए। ओवरऑल मतलब ये टीम वर्क था इस एक्ट में जो नजर आ रहा था और आप लोगों की मेहनत नजर आ रही थी। जोरदार कमेंट्स के बाद जोरदार स्कोर्स अर्चना। ये जो चल रहा है कपिल सोच रहा है क्या मिलेगा 100%। इन लोग मालूम है 10 मार्क कैसे लेते हैं, कुछ बोलते हैं एंड में गोलमाल 3-8 होगी कि नहीं? सुपर हिट होगी सर, बंपर हिट सर। 11 कर दो। अर्चना आज आप जरा संभल कर बैठिएगा, क्योंकि अब एक ऐसा बंदा यहां आ रहा है जिसने कभी कोई सुपरस्टार नहीं देखा और किसी भी स्टार को देखकर वो थोड़ा बावला सा हो जाता है। राजीव आया है गांव से देखने पहली बार शूटिंग और स्टार सलोनी दिखा रही है अपने जलवे। प्लीज वेलकम राजीव एज गांव वाला एंड सलोनी एज वेरियस स्टार्स। पहली बार मैं यहां पर शूटिंग देखने आया हूं सिर्फ अपने सन्नी पाजी के लिए। क्या करें आजकल वो थिएटरों में आते नहीं है, खुद ही मिलने आना पड़ता है। लेकिन कहां ढूंढूं मैं उनको, पर ढूंढ के रहूंगा। सनी पाजी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। क्या आप सच कह रहे हो? थैंक यू वेरी मच। देखा रोहित जी अर्चना जी आखिर मेरा भी कोई फैन है। सनी पाजी क्या कह रहे हो, आपका इस दुनिया में एक फैन नहीं है पाजी, आपके तो पूरी दुनिया में पाजी 2 फैन है पाजी। मेरी माँ भी आपकी बहुत बड़ी फैन है, आप उनसे मोबाइल पे बात कर लो ना प्लीज। नहीं करूंगा नहीं करूंगा नहीं करूंगा, पहले तुम मेरी माँ से बात करो ताकि उसे भी पता चले मेरा भी कोई फैन है। ठीक है ठीक है ठीक है, आप मेरी माँ से बात करो, मैं आपकी माँ से बात करता हूँ। हेलो हेलो हेलो, अरे सनी पाजी लगता है आपका बैलेंस खत्म हो गया। क्या बैंक बैलेंस तक तो ठीक था, अब मोबाइल का भी बैलेंस खत्म हो गया, अब मैं कहां से बैलेंस भरवाऊंगा? तेरे पास 10 रुपए है? अरे सनी पाजी ये मोबाइल पकड़ो, 10 रुपए कौन सी चीज है, ये लीजिए बस, एक बार मुझे अपना डांस करके दिखा दो पाजी। म्यूजिक। ओ तू कौन है? तो ये सनी पाजी का डांस नहीं है, मैं उनका एक एक स्टेप जानता हूँ। एक एक? हाँ वही एक जो उनको आता है। पर तू कौन है मुझे बता दे। मैं सनी का डुप्लीकेट हूँ। निकाल मेरे 10 रुपए निकाल। रोहित जी इनको पता नहीं है हम कोई कुछ वापस नहीं करते, नहीं करूंगा नहीं करूंगा नहीं करूंगा। गांव में पोला ठीक ही कहता था कि बंबई में जाके बड़ा धोखा मिलता है, यहाँ तो सन्नी पाजी के साथ धोखा हो रहा है, उनका काम कोई और ही करे जा रहा है। हेलो शेट्टी जी डुप्लीकेट भाग गया, अब क्या करें, और नया डुप्लीकेट भी नहीं मिल रहा है, एक काम करते हैं ओरिजिनल को ही बुलाते हैं, सस्ता भी पड़ेगा। 10 रुपए बचाने के लिए भेस बदल के आ गया। 10 रुपए निकाल मेरे। मैंने तेरे 10 रुपए नहीं लिए रे, मैं तो बहुत बड़ा स्टार हूँ रे, मेरे सिर पे करोड़ों का कर्जा है रे। करोड़ों का कर्जा वाला स्टार, मैंने पहचान लिया सर। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर, आपका एक एक डायलॉग मुझे याद है सर, एक बार डायलॉग सुना दीजिए। क्या गुस्सा था आपकी आंखों में जब आपने बोला था मेरे पास गाड़ी है बंगला है बैंक बैलेंस है। वाह गाड़ी हाँ बंगला हाँ बैंक बैलेंस हाँ। राजेश खन्ना के साथ मजाक करता है रे। मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ रे कि मेरे पास दामाद है रे। अरे आपका नाम राजेश खन्ना तो नहीं है? जब नाम नहीं पता तो फैन कहाँ से हुआ रे? अब नाम से फैन का क्या लेना देना है, अब सुरवीन का नाम हर लड़के को पता है तो सारे उसके फैन थोड़ा हो गए, सभी उसके आशिक ही हैं। ये हमारी हीरोइन है रे, इसके साथ मेरा रोमांटिक सीन है रे। म्यूजिक। इतनी देर में हमारे लोन हो जाता है, इससे किस नहीं हो रही है।
सलोनी हूँ, पप्पी दे दो। शहर में किस कैसे मिलती मुझे पता चल गया। सलोनी ओए, मेरा रोमांटिक सीन है और मेरे साथ कोई एक्टर काम ही नहीं कर रहा है। पर मैं किसी को भी एक्टिंग सिखा सकता हूँ। तू करेगा एक्टिंग। पहली बार एक्टिंग। लेकिन सर मुझे आती नहीं है। ओए, मैं सिखा दूंगा। आप सिखा दोगे एक्टिंग? तो फिर खुद क्यों नहीं करते? चुपचाप खड़े रहे। हाँ। मैं तुझे लूटने आऊंगा। एक्टिंग। हाँ, एक्टिंग। गांव वालों, तुम खटिया हो, जाहिल हो। हर बार डेंजर जोन में आके हार जाते हो। एक्टिंग है, एक्टिंग। तो बोलो ना, साथ में एक्टिंग है। मुझे तो पर्सनल लग रहा है ना। गांव वालों, तुम जाहिल हो, कटिया हो, कमीने हो, कुत्ते हो। हर बार फिनाले में आकर हार जाते हो। एक्टिंग, एक्टिंग। कोई एक्टिंग वैक्टिंग नहीं है। मुझे पता है तुम एक्टिंग के नाम पर पर्सनल खुंदक निकाल रहे हो। मुझे नहीं करनी एक्टिंग वैक्टिंग। लास्ट एपिसोड है, कर लो। चैनल ने एक एपिसोड बढ़ा दिया है। मुझे पता है ये सेमीफाइनल है। जैसा हम आज कर रहे हैं, हमारा लास्ट एपिसोड है। चुप। पर मेरा भी फाइनल में पहुंचने का रिकॉर्ड है, तो इधर आ, मैं एक्टिंग करूंगा, देखता हूं कौन रोकता हमें फाइनल में जाने से। करो। शहर वालों, तुम घटिया हो, जालिम हो, दो लोग मिलके एक्ट करते हैं, सारा क्रेडिट खुद ले जाते हो। एक्टिंग है, एक्टिंग है। तो बोलो ना, एक्टिंग है। हाँ। पहली बार नेचुरल कर रहे हो, मुझे लगा पर्सनल है। हाँ। करो। शहर वालों, तुम घटिया हो, जालिम हो और साथ में चलाक भी हो, सारी एप्रिसिएशन खुद लेते क्योंकि तुम क्यूट हो। एक्टिंग है ना? ये एक्टिंग नहीं, ये सच है। मुझे नहीं आती एक्टिंग वैक्टिंग। अच्छा, जब तो हम तुम्हें एक्टिंग नहीं देते तब कहते मुझे एक्टिंग दो, और अब दिए तो नहीं कर रहे हो। अच्छा, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर अकेली एक्टिंग करती हो? ये कॉमेडी सर्कस है, यहाँ पर हर चीज जोड़ी में होती है, समझी? ये जो कृष्णा है, जो करता है उसने अकेले ने किया नहीं, लैरी साहब जब तक नहीं मूले उनका बेड़ा गर्क नहीं हुआ। आपको क्या लगता है कि कपिल यहाँ पर अकेले कॉमेडी करता है? नहीं, पार्वती उससे करवाती है, अपनी बेइज्जती करा के तब कॉमेडी होती है। अरे यहाँ जम छोड़ो, जजिस की भी जोड़ियां वर्क करती हैं। आप बताइए रोहित जी, अगर आप बिना पंच के हंसे तो अर्चना जी आपकी हंसी की क्या वैल्यू है, बताइए। यहाँ पर एक्ट को ऊपर ले जाने के लिए अकेला एंड भी वर्क नहीं करता। हाँ। उसके साथ दी लगाना पड़ता है। चल एक्ट को ऊपर लेके जाएं। मैं दी बोलता तो एंड बोल। दी एंड। थैंक यू अर्चना, एक बात पूछना चाहूंगी। क्या ये सच है कि आप बिना पंच के हंसती हैं? सच हो ना हो, लेकिन कॉमेडी सर्कस पर यही सच है कि मैं बिना पंच के हंसती हूँ। आपका एक्ट गुड था, इट वॉज नॉट वेरी वेरी गुड। ओवरऑल इट वॉज अ नाइस एंजॉयबल एक्ट बट नॉट ब्रिलियंट। और आज इस स्टेज पर सेमीफाइनल्स में पर वी आर लुकिंग फॉर ब्रिलियंस। रोहित, एज अर्चना जी सेट के ये सेमीफाइनल्स है, और अगर मैं आपका एक्ट जज करूँ तो इट वॉज सेमी गुड एंड सेमी ओके। स्कोर्स की तरफ चलते हैं। अर्चना 8 points, रोहित 8 points, कॉमेडी सर्कस जहां डेली सोप्स के कलाकार भी रोना धोना छोड़कर हंसी के सम्राट बन जाते हैं। चलिए डालते हैं कुछ ऐसे ही कलाकारों के सफर पर एक नजर। ये सब तो ठीक है, लेकिन मालकिन आएगी ना तो वो आपको तलाक दे देगी। अरे वो मुझे कुछ भी नहीं देती, ना सुबह नाश्ता देती है, ना दोपहर को खाना देती है, ना ही वो रात को देती है। डिनर? अरे डिनर नहीं, वो नहीं देती। क्या? डिनर में राइस नहीं देती वो। अरे राधा रानी, ये क्या, ये क्या राधा रानी, तुम्हारी तुम्हारे डिक्की पर डेंट, क्या फिर कोई ठोक गया?
वो एक ट्रक था ट्रक, ना उसने सिग्नल देखा ना मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया और ये डेंट हो गया। अरे राधा रानी सच में वो बदमाश ट्रक होगा। अरे जब से गदर फिल्म में उसे रोल क्या मिल गया, राधा रानी अपने आप को सनी डियोल समझता फिरता है, दिमाग खराब हो गया उस कमीने का, छोटे छोटे मासूम गाड़ियों को देखता नहीं है, बस ठोका फिरता है। किससे करूं? मेरा जहन में है दो। बता। बूम बूम शाहिद आफरीदी। ना ना क्यों? उससे नहीं करूंगी। क्यों? पिच पे टिकता ही नहीं। तो फिर सचिन से कर ले। ना ना उससे भी नहीं करूंगी। क्यों? अरे वो पिच से हटता ही नहीं। हंसी के इन चैंपियंस को ट्रिब्यूट देने आज पहली बार इस मंच पर आ रहे हैं वो जिन्होंने बड़े पर्दे पर लगान और स्वदेश जैसी फिल्म से देश का दिल जीता और शनि देव बनकर छोटे पर्दे पर छा गए। प्लीज वेलकम अ वेरी वर्सेटाइल एक्टर दया शंकर एज डॉक्टर और साथ में हमारी बहुत ही जानी पहचानी भारती एज नर्स। मैं हूँ डॉक्टर बत्रा, बीमारियों के लिए खतरा। पल भर में बीमारी ठीक करूं चाहे पथरी हो या पथरा। डॉक्टर चाहे कितना भी बड़ा हो जाए सवेरे उठकर भगवान से यही प्रार्थना करता है कि हे भगवान दुनिया के सारे लोग बीमार हो जाएं और मेरा पैसों से बेड़ा पार हो जाए। वाह वाह वाह। हेलो सर। आप कौन हैं? सर सिस्टर। सिस्टर हो तो रक्षा बंधन के दिन आओ। गेट आउट। आज तो वैलेंटाइन डे है ना सुरवीन। सर मैं रक्षा बंधन वाली सिस्टर नहीं, वैलेंटाइन डे वाली सिस्टर हूँ। और सर मैंने आपका बहुत नाम सुना है। अच्छा? मैं आपकी स्टूडेंट बनना चाहती हूँ और आपसे बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ सर। शक्ल से तो मरीज लगती हो। मैं तुम्हें सिखाऊंगा। थैंक यू सर। जरूर सिखाऊंगा क्योंकि मैं कोई साधारण डॉक्टर नहीं हूँ। मैं टेक्निकल डॉक्टर हूँ। सर टेक्निकल डॉक्टर, लगता है आपने मेडिकल के साथ साथ इंजीनियर की भी डिग्री ली है सर। सर और क्या क्या किया आपने? मैंने बहुत से केस सॉल्व किए हैं, एक औरत को तो बच्चा ही नहीं हो रहा था। हो, फिर सर? सोचो मैंने उसके साथ क्या क्या किया होगा। अच्छा नौची कहीं के? ऐसा नहीं है, मैंने उसका ऐसा ट्रीटमेंट किया कि एक साल में बच्चा उसकी गोद में। अरे वाह सर वाह। उससे भी एक बड़ा क्रिटिकल केस था। क्या क्या? उसकी तो आंख ही नहीं खुल रही थी। वाह सर वाह। मैंने उसकी शादी करवा दी। उसकी आंख खुल गई, उसकी ऐसी आंख खुली, ऐसी आंख खुली कि उसकी माँ की सर, उसकी माँ की आंख भी खुल गई। वेरी गुड सर वेरी गुड। लेकिन सर आपकी आंख भी कुछ बंद सी नहीं लग रही सर। क्या मतलब? मेरा कहने का मतलब है कि आप क्लिनिक के साथ साथ मैरिज ब्यूरो भी चलाते हैं ना सर। हाँ मैं उसके साथ मैरिज ब्यूरो भी चलाता हूँ क्योंकि उसी के सहारे मेरी क्लिनिक भी चलती है ना। पहले मैं लोगों की शादियाँ करवाता हूँ फिर वही लोग मेरे पास डिलीवरी करवाने भी आ जाते हैं। फिर भी सर आप ऐसे केस कैसे करते हैं बताइए ना, कैसे? देखो अगर सिंधी के बच्चे की डिलीवरी करवानी हो ना तो उसे 10 रुपए का नोट दिखाओ, बच्चा खुद ब खुद बाहर आ जाता है। सर बताइए ना पंजाबी के बच्चे की डिलीवरी कैसे कराएंगे? वेरी सिंपल। हाँ। पंजाबी के बच्चे को कनाडा और यूएसए का वीजा दिखा दो, बच्चा लगेज के साथ खुद ब खुद बाहर आ जाता है। एकदम सही जवाब सर। अच्छा? मैं भी पंजाबी हूँ, मैं भी ऐसे पैदा हुई हूँ। अच्छा? सर सर और क्या क्या कर लेते हैं सर आप बताइए ना। बताइए ना सर, एक मिनट, एक एक ये वाला दोबारा कीजिए जरा। अरे रब्बा। रोहित शेट्टी। सलमान खान। सलमान खान। अरे वाह सर आप में तो हर स्टाइल है सर। अच्छा? सर मैंने इतनी तारीफ कर दी, सर मुझे नर्स रख लीजिए ना सर। नहीं मैं तुम्हें नर्स नहीं रख सकता। क्यों सर? मैं नर्स तो इसे रखूंगा। सर उसमें ऐसा क्या है जो मेरे में नहीं है? मैं जानता हूं कि इसमें क्या है।
क्या सर? ये सेक्सी और ग्लैमरस है। अगर मैं अंदर पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा हूं तो ये बाहर पेशेंट के रिश्तेदारों को पेशेंट बना देगी। बाबा विजय माल्या कहते थे, बाबा विजय माल्या किंगफिशर। यस। बाबा विजय माल्या ने कहा है, उन्होंने इंग्लिश में कहा था, मैं उसका हिंदी अनुवाद कर रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा, अर्चना जी सिर्फ आपके लिए हिंदी में अनुवाद कर रहे हैं क्योंकि इंग्लिश में बोलते तो आपको समझ ही नहीं आता। जोरदार तालियां बाबा जी के लिए। हाँ, कीजिए कीजिए। लड़की ऐसी राखिए कि मन का आपा खोए, सारा सारा दिन घर के बाहर घूमे लेकिन घर आकर ही सोए। वाह वाह। सर आप कुछ बीमारियों के बारे में मुझे बताइए ना। जानती हो इंसान को सबसे बड़ी बीमारी क्या होती है? सब जानती हूँ सर। क्या? वहम। यहाँ किसे है? सर सुरिंदर जी को। क्या हुआ? सर ये अच्छा भला ट्रक चलाते थे, गलत ट्रैक पे आ गए हैं। अब देखो मरे हुए जानवरों की खाल को पीट रहे हैं। चलिए सर। और इन्हें कौन सा वहम है? सर इनको किसी ने बता दिया है कि मनमोहन सिंह भी पहले तबला बजाते थे। तो इन्होंने कहा अगर प्राइम मिनिस्टर तबला बजा सकता है तो मैं क्यों नहीं। खैर सर उस आदमी को देखिए सर। अच्छा रोहित जी को। सर अर्चना जी को। अर्चना जी आदमी। सर एक मिनट। सर इन लोगों ने इतना आदमी बोला है कि उनको भी बहुत बड़ा वहम हो गया है कि वो एक स्मार्ट डैशिंग हैंडसम सा आदमी है। लेकिन सर ये आदमी वादमी कोई नहीं है। क्या? हाँ सर ये सेक्सी लेडी ऑन द फ्लोर है सर। तुमसे भी ज्यादा यहाँ आकर ये भी गंदी बातें करने लगे। और यहाँ सर हाँ उधर क्या देख रहे हैं? अब आपको ही ले लीजिए सर। मुझे मुझे क्या हुआ? आपको इतना बड़ा वहम कि आपके एक डॉक्टर है। हाँ? और मैं आपकी सेक्सी सी नर्स हूँ। हाँ? लेकिन ये गलत है, आप पागल हैं और मैं नर्स हूँ। पता नहीं रात को किसने इसका दरवाजा खोल दिया, डॉक्टर का कोट पहन के बाहर आ गया। चल तेरे को करंट लगा। जयशंकर जी वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। आपको यहाँ पर देखकर बहुत प्रसन्नता हुई और भारती वंस अगेन यू आर सो गुड सो गुड। क्या हाल है दया? अरे हाय सर। एक कन्फेशन है। कई बार होता है कि गेस्ट एक्ट होता है और तो थोड़ा हमें तमीज रखना पड़ती है कि अगर एक्ट अच्छा भी नहीं हो तो अच्छा बोलना पड़ता है क्योंकि वो हमारे गेस्ट होते हैं। आई थिंक ये पहली बार है कि मैं दिल से बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छा परफॉर्म किया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Thank you so much for joining us on our semi-finals. Ek baar zordaar taaliyan Daya Shankar ji aur Bharti ke liye. To ab baari hai hamari eliminations ki. Afsos ki aaj aap teeno jodiyon mein se ek jodi ko hamara saath chhod kar jana hoga. Lekin hamare judges aur comedy circus ki or se main aapko itna zarur kehna chahungi ki hum sab ke liye आप तीनों जोड़ियां विनर्स हैं। तो एक बार जोरदार तालियां हमारी तीनों जोड़ियों के लिए। हमारे आज के स्कोर्स के हिसाब से आज की हमारी पहली बॉटम जोड़ी है कृष्णा और सुदेश। प्लीज मंच पर आ जाइए आप। आज की हमारी दूसरी बॉटम जोड़ी है राजीव और सलोनी। प्लीज राजीव सलोनी, जूरी और ऑडियंस के स्कोर्स मिलाकर आपको मिलते हैं 24 पॉइंट्स। कृष्णा सुदेश, जूरी और ऑडियंस स्कोर्स मिलाकर आज आपको मिलते हैं 29 पॉइंट्स, यानी कि आप सेफ हैं, आप फिनाले में अपनी जगह बना चुके हैं। प्लीज अपने मंच पर।
राजीव सलोनी, कुछ कहना चाहेंगे जाने से पहले? ऑफ कोर्स, पहले राजीव आप। पहले तो जजेस थैंक यू सो मच, इतने लंबे सफ़र में आपने हमें इतना प्यार दिया। अब इस बच्ची ने जो यहाँ पे परफॉर्म किया है, जो ये करती है, जितना कॉन्फिडेंस मुझे अपने पर अपनी सोच पे है उससे ज़्यादा मुझे इस पे हो गया अभी। इसके लिए भी कॉमेडी सर्कस ही जिम्मेदार है, क्योंकि इन्होंने ही हमें जोड़ी में यहाँ पर इतना लंबा सफ़र तय करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। मुझे कॉमेडी सर्कस बहुत अच्छा लगा। आई लव रोहित अंकल एंड अर्चना आंटी। आई लव यू टू। आई वांट टू कॉल माय मॉम ऑन द स्टेज। पहली बार स्टेज पे आ रही हूँ, बहुत डर लग रहा है। अभी समझ में आ रहा है कि मेरी बेटी सच में कितना डेयरिंग से इधर करती है। वो आज निकल रही है, लेकिन मेरे लिए वो पहले ही जीत गई थी जब सब इन लोगों के साथ वो टक्कर देके कर रही है। I am proud of my daughter. We are all proud of her. Thank you. So, ek aakhri baar, zordaar taaliyan Rajeev aur Saloni ke liye.